न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी समीप सौदागर के साथ। रीवा की अस्पतालों में इन दिनों कोरोना का खौफ लगातार बढ़ता चल रहा है। प्रशासन तमाम तरीके के दावे कर रहा है कोरोना को रोकने का, लेकिन आम जनता का उसको उस तरीके से सपोर्ट नहीं मिल रहा जिससे कोरोना पर रोक लगाई जा सके। पूरे देश में इस समय कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। हम स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरीके की बातचीत करने के लिए रीवा कमिश्नर राजेश कुमार जैन जी के पास आ पहुंचे हैं। हम उन्हीं से जानेंगे आज वर्तमान में किस तरीके के हालात हैं। सर, हमारा एक छोटा सा सवाल है, अभी आपने कितने तरीके के टेस्ट, कितने टेस्ट करा लिए हैं और उनमें किस तरीके का आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? हाँ, देखिए, रीवा संभाग में भी निश्चित रूप से कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो अन्य संभागों की तुलना में रीवा संभाग में अभी भी कोरोना के पेशेंट्स कम आ रहे हैं। जहां तक कोरोना के टेस्ट की बात है, बड़ी संख्या में हम लोग टेस्ट कर रहे हैं और अभी जो टेस्ट हमारे चल रहे हैं वो रैपिड एंटीजन पद्धति से और RT-PCR से हम लोग टेस्ट ले रहे हैं। तो लगभग पर डे रीवा संभाग में हम लोग 2000 टेस्ट के लगभग प्रतिदिन कर रहे हैं, जिसमें से 1200-1300 टेस्ट हम लोग RT-PCR से और 700-800 टेस्ट हम रैपिड एंटीजन पद्धति से कर रहे हैं। और अभी तक की अगर हम बात करें तो 95,000 से अधिक टेस्ट पूरे रीवा संभाग में हम कर चुके हैं, जिनमें से लगभग 40,000 टेस्ट रीवा में, 25,000 टेस्ट सतना में, 19,000 के लगभग सीधी में और 19,000 के लगभग सिंगरौली में। तो ऐसे लगभग हम 95,000-96,000 टेस्ट अभी तक कर चुके हैं। सर, यहाँ बीच में रोकूंगा। सर, जिस तरीके से आप लगातार टेस्ट कर रहे हैं और निश्चित रूप से 2000 की टेस्ट काफ़ी बड़ी मात्रा है, और आपको क्या ऐसा लगता है कि यहाँ पर आम आदमी आपको उस तरीके से सहयोग कर रहा है या करना नहीं चाहता? आप रीवा के जो यहाँ पर जिस तरीके से परिवेश में ये कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, किस तरीके से आप इस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं? जहाँ तक आम जनता की बात है, आम जनता से हमने पूर्व में भी अनुरोध किया है कि आम जनता इसका सहयोग करे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, जहाँ आवश्यक हो वहीं बाज़ार में निकलें। बाज़ार में भीड़ निश्चित रूप से दिखाई देने लगी है। हमारा प्रयास है कि लोग कम से कम मास्क का उपयोग तो करें निकलते समय और बार बार साबुन से और सैनिटाइजर से हाथ धोएं। अनावश्यक लोग ना निकलें तो निश्चित रूप से, और मास्क का उपयोग करें तो हम कोरोना से बचाव करने में सहायक सिद्ध होंगे। मरीजों की जहाँ तक बात है तो लगभग आज की तारीख में 950 मरीज रीवा में हो चुके हैं, सतना में भी 700 का आंकड़ा हम टच कर रहे हैं, सीधी और सिंगरौली में 400-400 मरीज हो चुके हैं। तो मरीज रोज निकल के आ रहे हैं, 30-35 मरीज रीवा में, 20-25 मरीज सतना में और सिंगरौली में, 5 और कभी सीधी में 10, इस तरह से मरीज निकल के डेली आ रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि टेस्टों की संख्या बढ़े। टेस्टों की संख्या बढ़ेगी तो एक्चुअल वस्तु स्थिति से लोगों को जानकारी होगी कि वो कोरोना से पीड़ित हैं अथवा नहीं हैं। और लोगों से मैं ये भी अपील करूंगा, अगर किसी प्रकार के सिम्टम दिखाई देते हैं तो निश्चित रूप से डॉक्टर से और हमारे जो फीवर क्लिनिक हैं वहाँ जाके संपर्क स्थापित करें, ताकि उनका कोरोना संबंधी टेस्ट किया जा सके। सर, एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है, जिस तरीके से संजय गांधी प्रदेश का सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है, जिस तरीके से वहाँ मौतें हो रही, विवाद की स्थितियाँ पिछले कुछ दिनों से देखने में नजर आई हैं, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? संजय गांधी अस्पताल की अगर हम बात करें तो संभाग का एकमात्र हॉस्पिटल है, जहाँ सीधी, सिंगरौली, सतना और आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ से सीरियस पेशेंट आते हैं। संजय गांधी हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं वो सीरियस पेशेंट्स आ रहे हैं, और जिनको कोमॉर्बिडिटी, अन्य तरह की समस्याएं हैं, जैसे किसी को किडनी की समस्या है, किसी को लीवर की समस्या है, किसी को हार्ट की समस्या है, डॉक्टर्स अपने स्तर पर बेहतर प्रयास कर रहे हैं और जो भी चिकित्सा सुविधा रीवा में बेहतर उपलब्ध है उनको देने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद भी निश्चित रूप से जीवन, किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों का क्षोभ होना स्वाभाविक है। परसों एक केस आया, तो जो लेडी आई थी सतना से, वो किडनी उसका क्रिएटिनिन 6.5 से ऊपर था, लीवर में भी उसकी समस्या थी, और लीवर और किडनी में समस्या होने के कारण उसको चाहते हुए भी नहीं बचा पाए लोग बाग। तो इस तरह की, अब जैसे फूड ऑफिसर थे हमारे, 15-16 दिन एडमिट रहे, उन्हें सब तरह का उपचार दिया गया, वहाँ दिल्ली से भी बात की, भोपाल भी बात की, जो भी एक्सपर्ट ओपिनियन थे उनको लेके भी उपचार दिया गया, लेकिन उसके बाद भी उनको हम लोग नहीं बचा पाए। तो मौतें बहुत अधिक नहीं हैं, और जो हमारी मौतों का प्रतिशत है वो भी संभाग में लगभग 1.8 के लगभग है, जो कि जो हमारा एवरेज है उससे कम ही है। सर,
संजय गांधी अस्पताल के बाद जिस तरीके से आप सुपर अस्पताल पर लगातार नज़र रख रहे हैं, वहाँ की एक छोटी छोटी जानकारियाँ भी आप एकत्र कर रहे हैं और उसको बेहतर तरीके से चालू करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या माना जाए निकट भविष्य में, जैसा कि अभी ये बात कही जा रही है कि 30 सितंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री उस अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, तो उस अस्पताल को लेकर अभी तक क्या कमियाँ और किन कमियों को आप कब तक दूर करेंगे? सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा के निवासियों को और आसपास के निवासियों को एक बहुत बड़ी देन है और अभी तक जो प्रस्तावित है माननीय मुख्यमंत्री जी 30 सितंबर को इसका लोकार्पण करेंगे, फिर भी वहाँ पर अभी हमने गतिविधियाँ प्रारंभ कर दी हैं, पूरा निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, नर्सेज की भर्ती हो रही है, डॉक्टर्स की भर्ती हो रही है और अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमने हार्ट के ऑपरेशंस करना वहाँ प्रारंभ किया, अभी तक 22 एंजियोग्राफी हो चुकी, 6 एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और 5 लोगों को हमने पेसमेकर लगाए गए हैं, तो निरंतर रूप से और यूरोलॉजी के निश्चित रूप से 2 से 3 ऑपरेशन प्रतिदिन हो रहे हैं, न्यूरोलॉजी के भी ऑपरेशन हो रहे हैं, चिकित्सकों की भर्ती के लिए भी हमने विज्ञप्ति जारी की थी, 30 से 32 फार्म आए हैं और जो भी चिकित्सक उसमें पात्र पाए जाते हैं और उनका तत्काल हम इस माह सिलेक्शन कर देंगे। इसके अलावा नर्सेज भी 141 नर्सों की भर्ती की कार्रवाई चल रही है, तो स्टाफ की इससे पूर्ति हो जाएगी और हमारा प्रयास रहेगा कि चिकित्सक यहाँ पे आएँ ताकि यहाँ के निवासियों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सके। समस्या वाली बात है, चिकित्सकों की उपलब्धता निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या है। रीवा में हमने प्रयास किया है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सभी जगह विज्ञप्ति भेजी गई है, सभी जगह के जो कॉलेज हैं मेडिकल कॉलेज वहाँ के डीन से संपर्क स्थापित किया है कि वहाँ से निकलने वाले छात्र डॉक्टर से यदि आते हैं तो हम उनको जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर उनके पदों पे उनकी भर्ती करेंगे, तो डॉक्टरों की कमी एक समस्या रहेगी, बाकी किसी तरह की कोई समस्या सुपर स्पेशलिटी में नहीं रहेगी। फिर भी जो भी चिकित्सक हैं उनके माध्यम से हम उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं रीवा और रीवा संभाग के निवासियों को उपलब्ध करवाएंगे। निश्चित रूप से जो भी कमियां हैं उनको पूरा कर लेंगे, स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं को बेहतर से बेहतर रीवा वासियों के लिए बनाएंगे, तमाम तरीके की जो भी परेशानियां हैं वो निकट भविष्य में दूर कर लेंगे, पूरी रफ्तार से सुपर अस्पताल काम करेगा। संजय गांधी अस्पताल को लेकर आपने कहा यहाँ पर गंभीर बीमारी आते हैं, गंभीर बीमारियों में मृत्यु होना स्वाभाविक है, उसको लेकर लोगों को अननेसेसरी विवाद जो भी कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका पेशेंट निश्चित रूप से और कई गंभीर बीमारियों, डॉक्टर्स अपनी तरफ से अच्छा काम करते हैं। जैसा कि लगातार वहाँ पर जाकर लगातार काम करना, लोग डॉक्टरों के बीच में रहना, आम जनता के साथ इस बात को प्रेरित करना कि उनको कोरोना के शासन द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना है, अगर वो करेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना को यहाँ से खत्म किया जा सकता है। न्यूज़ नेटवर्क टुडे के लिए मैं जावेद अंसारी, सलीम सोना। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।